हेलो न्यू फ्रेंड्स, आई होप आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब करके रखा होगा। और आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत इंजॉय करोगे। एज यू नो विंटर सीजन चल रहा है और ये वीडियो मैं इसलिए लाई हूँ क्योंकि मेरे हबी ने मेरे लिए और बेबी के लिए ये इलेक्ट्रिक कैटल मंगाई और इसको मैं 2-3 दिन से यूज़ कर रही हूँ और मुझे इसके बहुत अच्छा लगा यूज़ करके, बहुत फ़ायदे इसके। तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे शेयर करूँ इसके रिव्यूज़ ताकि आपकी भी हेल्प हो जाए, खासकर जो लेडीज़ हैं या ओल्ड लोग हैं या फिर बच्चे हैं जिनको ठंडा बहुत जल्दी लग जाता है, उनके लिए इलेक्ट्रिक कैटल बहुत ही फ़ायदेमंद है। कितनी बार होता है ना, हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं और किसी होटल में जाते हैं या कहीं भी रुकते हैं तो हमें गर्म पानी का कुछ अरेंजमेंट नहीं होता है तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप इसको अपने साथ अपनी कार में या अपने बैग में, अगर आप लॉन्ग हॉलीडेज़ के लिए कहीं फॉरेन कंट्री या कहीं भी जा रहे हैं इंडिया में, तो आप इसको अपने साथ इजिली कैरी भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत लाइट वेट है इसका। तो ये है पिजन की अम्बेज प्लस इलेक्ट्रिक कैटल और ये है ब्लैक इन कलर। और जो इसकी कैपेसिटी है ना वो है 1.8 लीटर और इसके साथ 1 ईयर वारंटी भी आती है जो कंपनी की तरफ से है। वो जो कार्ड आएगा वो आपके उसके बॉक्स में ही मिलेगा। आपको मैंने वीडियो में दिखाया है कार्ड कैसा है, वारंटी कार्ड, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। और इसके इंस्ट्रक्शन मैनुअल कैसे आपको यूज़ करना है वो भी सब जो इसके साथ आता है ना कार्ड उसमें सब लिखा हुआ है। वैसे मैं एक बार आपको दिखा लूंगी तो प्लीज वीडियो जरूर चेक करना। और इसका जो है ना स्टील, ये स्टेनलेस स्टील है, देखिए कितना शाइन कर रहा है। इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है ताकि हाइजीन मेंटेन रहे कैटल में। और इसको यूज करना इतना इजी है कि कोई भी इसको आराम से यूज कर सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। और इसका जो ओरिजिनल प्राइस है ना वो है 1,345 रुपीज, बट मुझे अमेजोन में आफ्टर डिस्काउंट पड़ी 705 रुपीज की। और ऑटोमेटिक किसमें कट ऑफ हो जाता है, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है कि आपको ने ऑन कर लिया और आप कभी ऑफ करना भूल गए तो पानी उबल उबल के नीचे पूरा फर्श में गिर गया, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि ऑटोमेटिक कट ऑफ है इसका। यहाँ से ऑन करो और खुद ही ऑफ हो जाएगा। जैसे कि आजकल की लाइफ है ना और भागदौड़ भरी जिंदगी है हमारी, तो उसमें ये काफी यूजफुल है। सुबह सुबह उठो, इसमें पानी गर्म करो और जो अपनी डिप वाली टी होती है वो इसका गर्म पानी इसमें डालो और आपकी चाय तैयार है ना। और वो जो मैगी आती है आपको मालूम है ना, कप वाला नूडल्स जिसमें गर्म पानी चाहिए होता है, इसमें पानी गर्म कर लिया जल्दी से, फटाक से पानी गर्म और आपकी मैगी भी तैयार। तो स्पेशली ट्रैवलिंग में और जब हम बहुत बिजी होते हैं तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब जैसे न्यू बॉर्न बेबी होता है और अगर वो मदर की फीड नहीं ले रहा है, फॉर्मुला फीड ले रहा है, तो आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, इसका एक बटन दबाएंगे और गर्म पानी तैयार बेबी के लिए। जो इसकी कॉर्ड की लेंथ है ना वो है 0.75 और जो आप इसके लिड देख रहे हैं ना, ये इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, इसी के साथ चिपकी रहेगी। और जो इसका एडवांटेज है ना, सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि देख रहे हैं आप, इसमें आपको कॉइल नहीं दिखेगी, एकदम क्लीन है, स्टेनलेस स्टील है, हाइजीन मेंटेन की है ना, मैंने आपको वीडियो में बताया था। जैसे कितने मैंने इलेक्ट्रिक कैटल देखे है ना, जो मेरा पुराना इलेक्ट्रिक कैटल था उसमें प्रॉब्लम होती थी, क्या कहते हैं उसमें कॉइल थी उसमें, तो कितनी बार मतलब वो हम एकदम कॉइल को ऐसे रगड़ रगड़ के तो साफ कर नहीं सकते हैं, वो खराब हो जाएगी। तो मैंने क्या किया था, उसको फिर बाद में यूज करना छोड़ दिया क्योंकि उसमें ऐसा लगा था मुझे कुछ रस्ट जैसी भी लग रही है। तो कंपनी का नाम तो मैं बताऊंगी नहीं आपको, यू नो समथिंग प्राइवेट। तो ये है, इसमें देखो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कॉइल भी बिल्कुल ऐसा प्रॉब्लम नहीं करेगा क्योंकि इसमें पूरा स्टेनलेस स्टील है। और इसको आप ट्रैवलिंग में भी ले जा सकते हैं, कहीं भी गए गर्म पानी की कोई चिंता नहीं। अगर आप ओल्ड एज हो या आपको घुटने में प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम रहता है ना, और जैसे आप किसी शादी वादी में गए हो, किसी गेस्ट ऐसा गेस्ट, तो हर समय पानी गर्म पानी दे दो ऐसा कोई कहता नहीं, अपने साथ ले गए इलेक्ट्रिक के टल और निश्चिंत तो क्या आप यूज़ कर सकते हो इसको। जो ओल्ड एज की पीपल है जो बार बार पानी गर्म नहीं कर सकते तो उनके लिए काफ़ी यूजफुल है ये। जैसे हमारी दादी नानी वो बार बार उठ के गर्म करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्या बात है ना, जब आप ओल्ड एज को उठ जाते हो तो कितनी बार आपके हाथ शिवर करने लग जाते हैं, वीकनेस हो जाती है, तो उस वजह से उनके लिए काफ़ी यूजफुल है ये कि
कि इसमें उनको कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं, आराम से पकड़ने का, थोड़ी देर बाद कुछ एक दो मिनट बाद आप घर पानी गर्म और आप उसको निकाल के कप में ग्लास में कहीं भी डाल सकते हो। क्योंकि ओल्ड एज के पीपल है तो हम उनको बिल्कुल गैस में ज़्यादा देर रख नहीं सकते हैं ना, कभी गर्म पानी उन पर गिर गया तो इससे अच्छा ये ले आओ उनके लिए। अगर आप उनके सन हो या डॉटर हो, आई थिंक आपको ये गिफ्ट जरूर करना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि आपको इसी ब्रांड का लेना, आप कोई भी ब्रांड ले सकते हो। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप पर्टिकुलर ब्रांड लो, और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। मैंने एक्चुअली अपने घर में लाई तो मैंने सोचा आपके लिए भी लाऊं इसका वीडियो बना के, जिससे आपको काफी हेल्प हो। ये जो कॉइल जैसी बनी है ना, इसमें भी कॉइल बनी है, इन दोनों को आपस में मिलाना है। ये बिल्कुल इसमें दो चीजें दी गई है, मिनिमम और मैक्सिमम। तो जो मिनिमम लेवल है इससे और ज्यादा नीचे नहीं करना है पानी, और जो मैक्सिमम है उससे ज्यादा और ऊपर नहीं करना है पानी। और हमेशा क्लीन वाटर यूज करना है, बोरवेल के पानी को बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, जो हमारा पीने का पानी है ना वही आरओ वाटर। ये देखिए मिनिमम से मैंने ऊपर किया है पानी। अब मैं इसको क्लोज कर रही हूं, और ये 180 डिग्री में घूम जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें कि नहीं घूमेगा। और हमेशा ये ध्यान रखना है, कभी भी आप ये इलेक्ट्रिक आइटम या कुछ भी इलेक्ट्रिक केटल ऑन करने से पहले जिसका सरफेस हो वो एकदम सूखा हो, वो बिल्कुल गीला भी नहीं हो, क्योंकि अदरवाइज इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। ये कंपनी के मैनुअल में भी दिया है, तो मेरे से जितना हो सका मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब मैं ऑन कर दूंगी ये रेड लाइट। रेड लाइट इंडिकेट कर रही है कि पावर ऑन हो गया है और जो पानी गर्म हो रहा है, हीटिंग प्रोसेस चल रही है। अभी आपको आवाज भी सुनाई देगी, आने लग गई है आवाज। और इसमें है कि ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, आपको ऐसा टेंशन लेने की बात नहीं है कि अरे हम भूल गए पानी ऑन कर दिया और पानी पता चला पूरा एवोपरेट हो गया है या गिर गया है, पूरा फ्लोर में आ गया है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। इस पानी का इतना अच्छा यूज है कि आप वो जो इंस्टेंट नूडल्स होते हैं ना मैगी, वो बना सकते हो, ट्रैवलिंग में अपने साथ ले जाते हो सकते हो, टी कॉफी बना सकते हो इससे। रेड लाइट इंडिकेट कर रही है कि हीटिंग ऑन द प्रोसेस है। इसको कभी भी आप गैस या कोई ऐसी जगह पर ना चलाएं जहां पे फ्लेम्स निकल रही हो। ये वाला इलेक्ट्रिक केटल फर्स्ट टाइम मेरे फादर ने मेरे को दिया था, तो मुझे तब उसके एडवांटेज पता चले कि हमें पानी बार बार गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो लोग भी यूज करते हैं वह, क्योंकि मेरा नेटिव बहुत कोल्ड जगह पे है, इसलिए वहाँ तो काफी यूजफुल है ये। इवन बैंगलोर में भी अगर आपका छोटा बच्चा है, आपके घर में कोई ओल्ड पीपल रहते हैं। ये देखिए लाइट अपने आप बंद हो गई, ऑफ हो गई है, इसका मतलब पानी बॉयल हो गया है। तो आप थोड़ा रुक के एक दो मिनट रुक के उसको ऑन कीजिए, तभी आप को बहुत देर हो गई और आप भूल गए इसको निकालना, और मतलब दो तीन घंटे बाद अब आपको लगता है कि अरे पानी तक थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, गुनगुना हो गया, तो आप दोबारा से इसको ऑन कर सकते हैं। ये देखिए दोबारा से अब ये गर्म होने लग गया है, और जब गर्म हो जाएगा तो वो अपने आप ऑफ हो जाएगा। बस इसको बच्चों से दूर रखना, क्या है ना बच्चों को पता नहीं होता है क्या करना है क्या नहीं, वो अपने ऊपर ही पानी गिरा सकते हैं, तो बच्चों से काफी दूरी बना के रखना। तब मैं इसको प्रेस करूंगी, एक्चुअली गर्म है, और आपको दिखाऊंगी। बहुत गर्म है, मैं आपको दिखाने के लिए ये कर रही हूँ, लेकिन आप कभी ऐसा घर में एक्सपेरिमेंट मत करना कि गर्म खोल दिया गर्म पानी आपके पे गिर जाएगा और आप जल सकते हो। ये देखिए पानी गर्म हो गया है, वाटर वेपर्स आ रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे भी पूरा
लग गया है गर्म। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखते हो प्लीज आप मेरे पुराने वीडियोस में भी जाके देखिए ना, मैंने कितने इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाए हैं आप लोगों के लिए। तो आप अपने कमेंट्स कर सकते हो और जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है तो आप उसमें वहां जाके चेक कर लीजिए, परचेस कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप पर्टिकुलर यही ब्रांड खरीदे, आप कोई और ब्रांड भी खरीद सकते हैं सकते हो। और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो है ठीक, वीडियो नहीं है ठीक है, मुझे इसके स्पॉन्सर करने के कोई पैसे नहीं मिले हैं, तो मैंने ये आप लोगों के यूजफुलनेस के लिए बनाया है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।